वरोरा भद्रावती विधानसभा में महायुति के उम्मीदवार करण देवतले ने जीत हासिल कर जिले के सबसे कम उम्र के विधायक बनकर एक इतिहास रचा। प्रस्तुत है वरोरा भद्रावती विधानसभा पर एक समीक्षा रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब हम समीक्षा करने जा रहे हैं वरोरा भद्रावती विधानसभा की, जहां पर सबसे बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार मैदान में खड़े थे और अंतिम लड़ाई भी महायुति के उम्मीदवार करण देवतड़े तथा महाविकास आघाड़ी से टिकट ना मिलने पर बगावत कर मैदान में उतरे शिवसेना उबाठा के पूर्व जिला प्रमुख बागी उम्मीदवार मुकेश जूतोड़े के बीच में ही रही। इस विधानसभा में वोटों का ध्रुवीकरण सबसे अधिक हुआ, जिसके कारण मतदाताओं के वोट विजयी उम्मीदवारों के साथ पराजित उम्मीदवारों में भी बड़ी संख्या में बटे। जैसा कि आप सभी को पता है, यह विधानसभा चुनाव सांसद प्रतिभा धानोरकर के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था, जहां महाविकास आघाड़ी की ओर से उनके भाई प्रवीण काकड़े मैदान में थे और वहीं स्वर्गीय सांसद बाड़ू धानोरकर के भाई अनिल धानोरकर भी वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा अनेक उम्मीदवारों ने भी अपनी छाप छोड़ी, जिसमें प्रहार जनशक्ति पक्ष के एतेशा मली, निर्दलीय उम्मीदवार राजू गायकवाड़, निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर चेतन खुटेमाटे, मनसे के प्रवीण सूर आदि का समावेश है। और इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तथा निर्दलीय उम्मीदवार को मिलाकर कुल 18 उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े थे। जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले थे, लोगों में चुनाव के नतीजों को लेकर काफी उत्साह था। चुनाव नतीजे के दिन पहले राउंड से ही महायुति के करण देवतले बहुत ही कम वोटों से आगे चल रहे थे और यह बढ़त धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। वहीं बागी उम्मीदवार मुकेश जूतोड़े ने उन्हें काफी कड़ी टक्कर दी, जहां महायुति के करण देवतड़े को 65,170 वोट मिले, वहीं निर्दलीय बागी उम्मीदवार मुकेश जूतोड़े को 49,720 वोट मिले। वहीं महाविकास आघाड़ी के प्रवीण काकड़े जो तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 25,048 वोट मिले। इस प्रकार महायुति के करण देवतड़े ने 15,450 वोटों से जीत हासिल की। गौरतलब है, यह विधानसभा एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मगर युवा उम्मीदवार करण देवतड़े ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर इस विधानसभा में कमल खिला दिया और करण देवतड़े ने जिले में सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। करण देवतड़े की जीत के पश्चात एक भव्य विजयी रैली निकाली गई। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर भी वहां पर मौजूद थे। चुनाव नतीजों के बाद वोरा विधानसभा पर सीटीवी की एक और विशेष प्रस्तुति।